बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ते का डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये तकरीबन मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, चौड़ाई हम लेंगे, सबसे पहले चौड़ाई लेंगे। बीस इंच है और 22 इंच हम रखेंगे फोल्डिंग के लिए। हमारी कमीज की लेंथ 36 इंच है और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे कटिंग और सिलाई के लिए। 36 इंच इस तरह से इसे डबल करेंगे हम। अब इन पीसों को हम ज्यादा कर लेते हैं। इसको हम डबल कर लेते हैं और इसे दरमियान में कट कर लेते हैं। एक साइड पे हमने डिजाइन बनाना है। वो तकरीबन कपड़ा ज्यादा रखेंगे हम। इधर हम निशान लगाएंगे 3 पर। तीन इंच पे इस साइड पे निशान लगाएंगे। इसको हम इस तरह से आपस में मिलाएंगे। अब हम प्लेट्स डालेंगे इस साइड से इस साइड तक। तीन प्लेट हम डालेंगे। इस तरह से हम इसे पहले इस तरह प्लेट डालेंगे। प्लेट डालिए, अब हम कटिंग करेंगे। सारे पीसों को इस तरह हम रखेंगे। तीरे का निशान लगाएंगे हम। 14 इंच हमारा तीरा है। 15 पे हम निशान लगाएंगे। 7 पे हम इधर निशान लगाएंगे।
इस तरह से हम गलाई में देंगे, आधा इंच हम इधर रेम में कटिंग करेंगे। फिटिंग का निशान लगाएंगे हम। चेस्ट पे हम निशान लगाएंगे सबसे पहले, 18 इंच चेस्ट है हमारी। पांच इंच पे इधर कमर पे निशान लगाएंगे। 8 इंच 16 इंच कमर है, हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। सात इंच पे इधर हम निशान लगाएंगे हिप का। अठारह इंच हमारी हिप का निशान है। इसी तरह हम नीचे निशान लगाएंगे। गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पे इधर हमने निशान लगाया, और 4 इंच पे हम इधर निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम एक लहरा से कपड़ा लेंगे और इसके साथ हम लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये निशान के साथ कपड़े को अटैच करके सीधा करेंगे। ये मैंने पीस डाला है, 1 इंच के करीब ये मैंने पीस लिया है। इसे इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना और इसे प्रेस कर लेंगे। अब हम इसके नीचे लैदर से पट्टी लेंगे। ये मैंने लैदर से पीस लिया, इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूंगी। इस तरह से हम इसे नीचे लगाएंगे, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। और इस अब मैं सिंपल सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह से हम इसे इसको बंद करेंगे। ये मैंने ओपन रखी है। अब हम बैंड लगाएंगे। ये तकरीबन 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। हमने ये आधा बैंड लगाना है। अब हम इधर से निशान लगाते जाएंगे।
15 इंच पे ये हमारा बाकी बैंड बनेगा। ये मैंने पीस लिया एक, इसे इस तरह से मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा इस तरह से ये मैंने बैंड बना लिया। अब हम इसे कपड़े पे लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने रेब में ये पीस लिया। ये जो मैंने 3 इंच पे ये निशान लगाया था, इसे हम इस तरह से मगजी लगाएंगे। फालतू पीस हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। इधर भी इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा कवर हो जाएगा। इससे आगे हम बैंड लगाएंगे। इधर से हम शुरू करेंगे। इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने बैंड लगा लिया और यहाँ मैंने हुक लगाई अंदर की तरफ और ये 3 बटन लगा कर ये मैंने फाइनल कर लिया। देखिए कितनी सिंपल सी है और प्यारी लग रही है। यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।